नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में 4 वर्ष से आरपीएफ में रेलवे संपत्ति चोरी मामले में भगोड़ा चल रहे आरोपी को काबू कर लिया गया है। आरोपी को आरपीएफ, जीआरपी या जिला पुलिस ने काबू नहीं किया। इस बदमाश को जमानत दिलाने वाले व्यक्ति ने जगराव पुल से पकड़ा। गारंटी देने वाला व्यक्ति को किसी अज्ञात का फोन आया कि भगोड़ा सुनील आज जगराव पुल पर घूम रहा है। इसके बाद तुरंत वह टैक्सी लेकर जगराव पुल पहुंचा और सुनील को दबोच लिया। जमानत दिलाने वाले मुकेश ने बताया कि वह नगर निगम में कच्चा कर्मचारी है। शाम के समय उसका परिवार सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है। 2018 में उसकी रेहड़ी के नजदीक ही अन्य रेहड़ी लगाने वाले ने उसे कहा था कि एक व्यक्ति को जलंधर आरपीएफ ने जबरी पुलिस कर्मचारी से मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बहुत ही करीबी और वह उसकी जमानत करवा दे। मुकेश ने बताया कि उसके दयालुता दिखाते हुए सुनील की जमानत करवा दी और गारंटी खुद की डाल दी। जमानत के बाद सुनील कोर्ट की तारीख पर नहीं गया। इस उपरांत सुनील फरार हो गया। लगातार पिछले 4 वर्ष से वह सुनील की तलाश कर रहा था। सुनील को पकड़ने के लिए उसका अभी तक करीब 1.5 लाख रुपए लग चुका है। अदालत से हर महीने ऑर्डर आ जाते थे जिससे वह बहुत परेशान था। इसी वजह से वह करीब 4 साल से वह अपना कारोबार तक चौपट करके सुनील की तलाश करता रहा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।